अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारी 8th वीडियो है ब्लॉगिंग कोर्स रिलेटेड, जिसकी 7 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं, जिनको आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर या फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। आज हमारी नीच रिसर्च का 3rd पार्ट है, मतलब पहले हमने 2 वीडियोज़ बनाई हैं नीच रिसर्च के बारे में। 1st वीडियो के अंदर मैंने आपको नीच रिसर्च के बेसिक्स के बारे में बताया था और 2nd वीडियो के अंदर हमने बात की थी नीच रिसर्च आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, किस तरह से हम एक नीच फाइंड कर सकते हैं और क्राइटेरिया क्या होगा। उस क्राइटेरिया को हमने टूल्स की मदद से देखा था और सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा एक बहुत ही अमेजिंग मेथड, जिसको यूज़ करके आप ईजिली नीचेज को फाइंड कर सकते हैं। अभी नया नया है, हो सकता है आपने इसके बारे में पहले सुना हो, लेकिन मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही अमेजिंग मेथड है और बहुत ही ईजिली आप बहुत सारी नीचेज़ फाइंड कर सकते हैं। हम बाकायदा उनको टूल्स के अंदर एनालाइज भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी नीच जो है वो परफेक्ट है, क्राइटेरिया को हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखेंगे और एक परफेक्ट नीच फाइंड करेंगे। तो वीडियो शॉर्ट ही होगी, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड है और किस तरह से उसे यूज़ करके आप एक अच्छी नीच फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ गूगल क्रोम के अंदर और एक वेबसाइट है flipper.com और यही हमारा आज का मेथड है, जिसको यूज़ करके, इसी वेबसाइट को यूज़ करके हम नीचेज़ फाइंड करेंगे। और ये एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है एसेट सेलिंग की, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स को सेल करते हैं, वेबसाइट्स को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। जिनकी भी वेबसाइट सक्सेसफुल हो जाती है और अगर वो उसका ऑनर उसे बेचना चाह रहा है तो वो flipper.com पर जा सकता है, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पाकिस्तान की भी इसके ऊपर सेल हो चुकी हैं। तो ये एक वेबसाइट सेलिंग एंड बाइंग प्लेटफॉर्म है, जिसको यूज़ करके आज हम नीचेज फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली जो भी वेबसाइट्स इसके ऊपर सेल होती हैं या हो चुकी हैं, ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल साइट्स हैं, तो उन्हीं के अंदर से हम कुछ ऐसी साइट्स को निकालेंगे जो कि लो कंपटीशन होगी और अभी भी उनके ऊपर कंपटीशन नहीं होगा, और उनको हम टूल्स के अंदर एनालाइज करेंगे और वहीं से अपनी नीच का आइडिया लेंगे। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। चलिए चलते हैं सबसे पहले flipper.com के ऊपर। मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ flipper। मैंने जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है flipper इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन बिजनेसेस। ऑनलाइन बिजनेसेस सेल होते हैं यहाँ पे, जो कि 2009 में बनी थी ये साइट। और यहाँ पे आप देखें तो इसका मेन पेज है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और हम आ चुके हैं flipper.com के ऊपर। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। और एक बात और, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो अगर आपको कोई साइट्स नहीं दिख रही तो आपको इसके साइनअप करना पड़ेगा, लेकिन साइनअप किए बगैर भी आप नीचेज़ फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंशियल साइट्स देखना चाह रहे हैं, उनको रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे साइनअप कर लें। सिंपली यहाँ पे ऊपर आपको लॉगिन या साइनअप दिख रहा है, तो आपने साइनअप करना है, पूरी डिटेल्स फिल करनी है और साइनअप कर लेना है। मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा, अगर साइनअप करना चाह रहे हैं तब कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं नीचेज़। तो यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट है, आप नीचे आएंगे इनके फुटर के अंदर, और फुटर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं आपको, जैसे यहाँ पे एफिलिएट वेबसाइट्स फॉर सेल, यहाँ पे आप जा सकते हैं, और वर्डप्रेस वेबसाइट्स फॉर सेल, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, और अब चलते हैं यहाँ पर हम ऊपर इसके टैब के अंदर, और यहाँ पे ये तमाम वर्डप्रेस साइट्स हैं जो कि सेलिंग के लिए अवेलेबल हैं, मतलब आप इनको बाय कर सकते हैं यहाँ से। हमने फिलहाल इनको बाय नहीं करना, हमने सिर्फ इनसे एक आइडिया लेना है कि इनमें से कौन सी लो कंपटीशन नीचेज पर साइट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये तमाम वर्डप्रेस साइट्स अवेलेबल जो flipper के ऊपर हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। ये 14 दिन पहले उन्होंने लिस्ट किया है यहाँ पर साइट्स, और इस तरह से मुख्तलिफ साइट्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे ये साइट है, ये सारी वर्डप्रेस की साइट्स हैं, जिनमें से कुछ एडसेंस के ऊपर हैं, कुछ अफिलिएट साइट्स हैं, तो बहुत सारी साइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इनको अलग अलग से आपने ahrefs के अंदर एनालाइज करना और देखना कि कौन सी लो कंपटीशन और प्रॉफिटेबल साइट है या प्रॉफिटेबल नीच के ऊपर है। तो यहाँ पर बहुत सारी साइट्स की लिस्ट मिल गई, इस तरह से मैं इसे बंद करता हूँ। यहाँ पर आके देखते हैं अफिलिएट वेबसाइट्स फॉर सेल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, मतलब हम एफिलिएट साइट्स पर काम कर रहे हैं तो हमें एफिलिएट साइट्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइट है, इसको अगर मैं यहाँ से इसका ये यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ से न्यू टैब में आता हूँ और यहाँ के मैं पेस्ट करके एंटर करता हूँ, तो मैं इस वेबसाइट को विज़िट कर सकता हूँ कि ये कैसी है साइट। तो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है साइट्स जो कि flipper के ऊपर सेल पर लगी हुई है। तो shamitoday.com, और यहाँ पे इसने एड्स भी कुछ लगाए हैं, और ये एफिलिएट साइट है,
जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डिवाइस है राउटर जिसको रिव्यू कर रहे हैं। इसके अंदर मैं अगर जाऊँ तो मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स भी लिखे हैं क्योंकि ये एडसेंस भी यूज़ कर रहे हैं। और मैं आता हूँ जी नीचे और ये इनके आर्टिकल्स हैं, कुछ पोस्ट हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट के ऊपर पड़ी है सेल होने के लिए। और यहाँ पे ये $80,000 की सेल करेंगे, इन्होंने जो इसकी प्राइस रखी हुई है $80,000। तो बहुत ही ये अमेजिंग और बड़ी साइट लग रही है जिसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक होगी ऑब्वियसली, तभी इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्राउज़ करने के लिए, आप ऊपर URL पे आएँ और यहाँ पे आके सर्च करें, आप सिंपली flipper.com/search ये करके आप एंटर करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने भी आ जाएंगी और सर्च बार भी आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अब ये पेज मेरा फेवरेट है जहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ निकलते हैं। यहाँ पे ये है एक वेबसाइट, अब यहाँ पे इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं। टाइप है वेबसाइट, इंडस्ट्री, बिजनेस, मोनेटाइजेशन, कि ये वेबसाइट किससे पैसा कमा रही है। तो यहाँ पे एडसेंस लिखा हुआ है, 7 साल पुरानी वेबसाइट है, नेट प्रॉफिट मतलब ये मंथली $15,000 बना के देती है अपने ओनर को ये साइट। तो यहाँ पे 2 लाख उसने इसकी प्राइस रखी है कि 2 लाख में अगर कोई ये लेना चाहे तो ले सकता है। तो आप इन मुख्तलिफ साइट्स को विजिट करें, टूल्स के अंदर एनालाइज करें, और वहाँ से अगर आपको लो कंपटीशन कोई साइट्स मिलती है तो आप उसी के कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब इस साइट को मैं फॉर एग्जाम्पल एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पुरानी वेबसाइट है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे एक साइट है कॉन्फिडेंशियल, अगर आपने साइन अप किया होगा फ्लिपकार्ट के ऊपर तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि $1,000 कमा रही है ये पर मंथ, 1 साल पुरानी है, एडसेंस इसकी मोनेटाइजेशन है और $11,000 में यहाँ पे ये पड़ी है। उसके बाद ये वही वेबसाइट जो हमने अभी देखी, एफिलिएट साइट xiaomitoday.com इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, और मोनेटाइजेशन इसकी दोनों है, अफिलिएट भी और एडसेंस भी। इस तरह से goodnoon.com ये 3 साल पुरानी है। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं xiaomitoday.com, और या फिर हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं साइट्स। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो फ्लिपकार्ट की सर्च बार भी दी हुई है, इसमें अगर आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको साइट्स यहाँ पे मिलेगी और आप उनको देख सकते हैं। अब जैसे ये एक साइट है jobsforfellowshub.com, तो ये एक बड़ी साइट लग रही है लेकिन ये एडसेंस की है। इस तरह से ये हमारे पास एक हाईलाइटेड साइट आ रही है xiaomitoday.com, तो हम इसको देख लेते हैं टूल्स के अंदर एनालाइज करके क्या इसका डेटा है और किस कंडीशन में है ये वेबसाइट। तो यहाँ पे मेरे पास Ahrefs ओपन हो चुका है और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मैं हूँ और साइट एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे मतलब डोमेन और URL जहाँ पे लिखा हो इसके अंदर मैं उसका एड्रेस पेस्ट करूँगा xiaomitoday.com और एंटर कर दूँगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब ये वेबसाइट हमें flipper.com से मिली। अब ये भी एक आइडिया है, इस तरह से आपने साइट्स को लेना और उसे Ahrefs के अंदर एनालाइज करना है कि उसका डेटा क्या है, उसके कीवर्ड्स के अंदर लो कंपटीशन कीवर्ड्स ज़्यादा तादाद में मौजूद है या नहीं। तो अगर आपको उसमें लो कंपटीशन दिखता है तो आप मज़ीद रिसर्च करके उस टॉपिक के ऊपर, मतलब जे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है साइट, तो उसके ऊपर मैं मज़ीद रिसर्च करूँगा और उसे फाइनलाइज कर लूँगा नीचे को। अब यहाँ पे ये साइट के मैट्रिक्स हमारे पास शो हो चुके हैं, इस साइट का जो DR है वो 58 है, मतलब नॉर्मल साइट है, आप इसके कंपटीशन में भी आ सकते हैं अगर आप साइट बनाते हैं। बैकलिंक्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, 1 लाख से ज़्यादा बैकलिंक्स है, ऑब्वियसली पुरानी साइट है 4-5 साल तो इसीलिए बैकलिंक्स ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 62,000 कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक हो रही है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से 10,000 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि एफिलिएट और एडसेंस साइट है और इसके अंदर इसे 10,000 पर मंथ ट्रैफिक मिल रही है और इसकी ट्रैफिक वैल्यू 1.3K। तो कीवर्ड्स के अंदर मैं आता हूँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के ऊपर हम डिटेल में आगे बात करेंगे नेक्स्ट जब हम कीवर्ड रिसर्च के मॉड्यूल्स में जाएंगे, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो कीवर्ड रिसर्च को भी हम लर्न करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स मैं खोलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, 12,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स US के अंदर हैं और इस तरह से यहाँ पे स्पेन के अंदर भी 5,620 हैं, इंडिया के अंदर 4,387 हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ कीवर्ड डिफ़िकल्टी के फ़िल्टर के अंदर, यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च के अंदर, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के अंदर ये मेन हमारे काम आते हैं ये फ़िल्टर्स। कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैं यहाँ पे 0 to 5 लिख देता हूँ। मैंने एंटर किया कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड दिखाओ जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 5 है, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं है।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे कीवर्ड्स उसने मुझे दिखा दिए हैं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है, जो कि बहुत ही लो कंपटीशन है। 0 इस तरह से 1, 0, 3, 1, तो बहुत ही लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में। जैसे यहाँ पे आप देखें 7,000 से ज़्यादा यूएस के अंदर हैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही है कीवर्ड्स की, ये सिर्फ यूएस के कीवर्ड्स हैं जो इसके यूएस के अंदर रैंक हो रहे हैं, और यहाँ पे स्पेन और इंडिया वगैरह के भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा एफिलिएट में मेन टारगेट यूएसए होता है, तो इसलिए इसी टैब के ऊपर हम डिफ़ॉल्ट हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इस तरह से मजीद फिल्टर्स लगा के आप इसे एनालाइज कर सकते हैं और इसी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे हमारी सीरीज के अंदर बात करेंगे, तो वो आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको निश रिसर्च के आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं वो बताऊँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप मुख्तलिफ साइट्स को यहाँ पर ला सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ साइट एक्सप्लोरर के अंदर और जाते हैं वापस फ्लिपा के अंदर। इस तरह से ये है goodnoon.com। तो मुख्तलिफ साइट्स को आप यहाँ से उठाएं, यहाँ पे कीवर्ड सर्च करें, और जैसे ही आपको साइट्स मिलती हैं तो आप उनको एचरेफ्स के अंदर एनालाइज़ करें और देखें कि कौन सी साइट आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही है। अगर आपने लास्ट दो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें, पहले फर्स्ट नीच रिसर्च की और फिर दूसरी, तभी आपको इसकी समझ आएगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने वो डिस्कस की हैं जो कि पिछली वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वो वीडियोज़ देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो इस तरह से यहाँ पे goodnoon.com जो है, मैं इसे यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर के अंदर टाइप करता हूँ। goodnoon.com मैंने टाइप किया और मेरे पास अब उसकी मैट्रिक्स तमाम खुल जाएंगे। अब ये भी एक अच्छी साइट है और नॉर्मल साइट लग रही है क्योंकि इसका DR जो है वो 38 है, तो ये काफ़ी अच्छी साइट है। यहाँ पे बैकलिंक्स के काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक इसकी कम लग रही है, हो सकता है वेबसाइट डाउन हुई है अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे 921 इसे ऑर्गेनिक विजिटर्स मिल रहे हैं और 1.5 कीवर्ड्स रैंक है, तो ये भी अब काफ़ी अच्छी साइट है और लो कंपटीशन है। क्योंकि अगर आप बड़े सर्च वॉल्यूम्स की तरह जाते हैं और बड़े कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि आप बिगनर हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर जिनके पास टीम होती है पूरी SEO टीम जो कि उनके लिए SEO करती है, तो वो बड़े रिस्क ले सकते हैं। लेकिन हम जो बिगनर हैं वो बड़े कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमें SEO करनी होती है तभी हम रैंकिंग्स लेते हैं गूगल के अंदर, अदरवाइज हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो इसलिए हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं। इस तरह से आप साइट्स को एनालाइज करें एचरेफ्स के अंदर और यहाँ पे फ्लिपा को यूज़ करके आप मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट करें नीच रिसर्च के और अपने लिए एक परफेक्ट नीच फाइंड करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।